मैं कह रही हूँ कि इस बार इधर कर। कमल मुझे गुस्सा आ रहा है, बिला वजह मेरा दिमाग ना खराब कर। यार मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रहा, ये क्या बात हुई कि तुम्हारी मेरे बिना ईद हो जाएगी? नहीं जाना? नहीं। चलो ठीक है, मैं फिर अपनी पैकिंग कर, मेहरबानी तू जा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। इस वक्त मैंने भी सुर्ख कलर का सूट पहना है और कमल ने भी खूनी रंग का सूट पहना है। हम लोग दरअसल आ गए हैं अपना शूट करवाने के लिए, जो कि हमारा शूट करेगा ये आदिल बाबू। क्या फोन मिल गया? किसका फोन गुम हुआ था? अच्छा जब मिल गया, चलो ठीक। दुलकर ने मतलब जो भी पूरे पाकिस्तान में चोरी हो जाए ना, उसका इल्जाम मेरे पर दुलकर ने जी की है, ये दुलकर ने कर दिया। दरअसल ना हम लोग सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शूट से फ्री होने के बाद अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हम लोग वैसे शूट करने के लिए आए हैं, लेकिन ये अपना पर्सनल काम है ना, वो जरा काम था यार पैसे शैसे कमाने वाला। लाइट के लिए हम लोगों ने इधर फोन रख दिए। ये कमल तुम्हारा फोन ज्यादा करीब है, अगर गिर गया तो देख लो, मुझे तो नीचे देखते हुए भी डर लग रहा है। और ये अलिशबा बेगम का है, तुम्हारा है ना फोन? ये किसका है? आदिल तेरा? यार तेरे को तो मैं जानबूझकर धक्का दूंगा ताकि गिर जाए और टूट जाए। कल शूट शुरू कर यार, शूट शुरू कर, फ्री होकर बताता हूँ मैं आपको। और मैं बता दूं, अगर हमारा ये शूट चांद रात का अच्छा नहीं ना हुआ तो इधर आओ, इधर आओ, बात बात इधर आओ। नहीं नहीं नीचे नहीं फेंकना। क्या यार नीचे फेंक दिया तो बच जाएगा? करना ये है, ये देखो बंदूक, इससे गोली मारनी है तुझे, इससे गोली, इससे तू बचेगा नहीं। चलो आओ यार चलें। बंदी की वीडियो के चक्कर में ना 10 मिनट हम लोग मजीद लेट हो गए। बन जाएगी कमल आज ही? खरीदो फरोख्त करनी है कोई बस शूट के लिए? यार ये जाती है यार, भाई के साथ जाती है यार, भाई भी बड़े शरीफ है, वो बेचारे हमें शूट करने दे रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई। मैं भी आपकी वीडियो देख रहा था, रोजा टूट गया। हाँ 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 बाकी बाकी हाँ क्या करूँ, यहाँ ही खड़े होने ना बस, सिंपल बस। चलो ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी, शूट वगैरह से हम लोग हो चुके हैं फ्री और अब जा रहे हैं घर। घर जाते ही हम लोगों ने बैठना नहीं है, पैकिंग शैकिंग करनी है और अपनी अगली मंजिल की तैयारी करनी है। हम लोगों ने जाना है आज गुजरात और जुलकर घर आते ही तैयारियां करना शुरू हो गए कि हाँ भाई ये भी रख लो, वो भी रख लो, वो भी रख लो। तो अभी मैं जुलकर के साथ करूंगी प्रैंक और जुलकर से कहूंगी कि इस बार हम लोग ईद लाहौर करेंगे। लेट्स सी जुलकर का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि जुलकर हमेशा प्रैंक मेरे साथ करता रहता है और हमेशा मुझे रुलाता रहता है, तो इस बार मैं उन्हें गुस्सा दिलवाती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी ये ट्राइपॉड है, इसको इधर लगाऊंगी, हल्का सा दरवाजा खोलूंगी और जुलकर अंदर तैयारी कर रहे हैं, तो करते हैं जुलकर के साथ प्रैंक शुरू। देखिए लाइट बंद कर दी है, दरवाजा बंद कर दूंगी और ट्राइपॉड लगाऊंगी। अभी मैं जाने लगी हूँ बाहर, जुलकर इस कमरे में रेडी हो रहे हैं। तबीयत ठीक है? क्या कार्टून देख रही हो? कार्टून भी देख रही हो? वैसे मैं क्या पूछ रहा हूँ कि तबीयत ठीक है तेरी? तेरी मेरी क्या लगा रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? थक गई हूँ। तो चलना नहीं है गुजरात? क्या मतलब? क्यों? हर दफा ईद हम लोग गुजरात करते हैं, अगर इस बार हम लाहौर कर लेंगे तो क्या मसला हो जाएगा? खैर है, हम लोग पैकिंग करने के लिए आए हैं, पैकिंग करके निकल रहे हैं। पैकिंग करने के लिए नहीं आए जुलकर, मैं थक चुकी हूँ यार, सुबह से सारा शूट किया है, सारे दूसरे काम। तो फिर हम लोग सुबह चले जाएंगे सहरी के टाइम? नहीं मेरे में हिम्मत, सहरी के टाइम जाने की भी हिम्मत। दिल इस बार है कि मैं ईद इधर किधर ईद गुजारूं? यार पिछले 3 सालों से हम लोग गुजरात ईद कर रहे हैं। हाँ? तो अगर इस बार हम लाहौर ईद कर लेंगे तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। यार मेरी गल सुन, असि ईद जो उत्ते करी दी नहीं तो मैं क्यों उत्ते ईद करा? मैं अपने होम टाउन जाके ईद करता हूँ ना। हदीस से नहीं लिखी गई ना कि हाँ भाई हदीस क्यों लिखी जानी है? तुम्हें पता है कि ईद हम लोग उधर करते हैं, तो इसमें बहस वाली तो कोई बात ही नहीं है, पैकिंग करो निकलते हैं। पहला दिन कम से कम तो यार तुम मुझे कह करके मैं कपड़े निकालती हूँ, ये करती हूँ, अपने तुम कपड़े निकालो, खुद अब आके अथे पे आ गई है तू यार। अब मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ यार, बदतमीजी क्यों कर रही है? बदतमीजी कौन कर रहा है? अब ये बात बनती ही नहीं है। मैं कपड़े निकाल कर लाया हूँ, मैंने शूज निकाले हैं, मैंने सारी चीजें निकाल ली हैं, तुमने कुछ भी नहीं निकाला अभी तक, और खुद अब कह रही हो कि मैं जाना नहीं है। मेरी बात आराम से सुनो। आराम वाली बात ही नहीं है कमल, एक जगह तुम्हें पता है कि मैं नहीं किसी और जगह करता यार, ये अपराध मैं अपने होम टाउन में करता हूँ। ये भी घर है तो ये भी घर मेरा ही है, मैं कब कह रहा हूँ मेरा नहीं है? घर अपने, लेकिन होम टाउन अपने घर।
यार जिधर बंदे ने अपना बचपन कटिया होता है ना उत्थे ही बंदे ने ईद करनी होती है। यार तुम्हारा और सीन है मेरा और सीन है यार। 3 साल से हम लोग 2 दिन उधर गुजारते हैं, चांद रात उधर गुजारते हैं। कमल ईदें अपने घरों में ही बेहतर लगती हैं। वो भी अपने ससुराल में नहीं बेहतर लगती। समझ आई तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अब उधर ले जाऊं माँ जी की तरफ? नहीं मैं ये नहीं चाह रही। तुम इधर चाहती हो कि अपने घर में इधर करें? मैं कह रही हूँ कि इस बार इधर करें। चलो मतलब हम लोग अकेले यहाँ पर ईद करें, बाकी सारे घर वाले उधर हैं। कि उनको बुला लेते हैं हमेशा, उनको इधर बुला लें, कभी भी नहीं आना। अब उन्हें कभी नहीं आना, उनकी मर्जी। उनकी क्या मर्जी यार, उठो तैयार हो, ये बहस वाली कोई चीज नहीं है। मेहरबानी करो तुम बहस ना करो, मैं कह रहा हूँ ना बिला वजह मेरा दिमाग नहीं कमल खराब कर। कमल मुझे गुस्सा आ रहा है, बिला वजह मेरा दिमाग ना खराब कर। तेरी मेहरबानी, उठ अपनी पैकिंग कर, मजाक नहीं मैं कर रहा। तुम चले जाओ फिर अकेले, तुमने नहीं जाना। चलो ठीक है मेरी पैकिंग कर, मैं जाना, तू इतने ईद करो, हाथ नहीं है तुम्हारे, तुम मेरी पैकिंग कर दो, मैं चलता हूँ, तुम अपनी ईद इधर गुजारो, मैं अपनी ईद उधर गुजारो। मतलब तुम्हारी मेरे बगैर ईद है, हो जाएगी। यार मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रहा, ये क्या बात हुई कि तुम्हारी मेरे बिना ईद हो जाएगी? पहले ईदें शादी से पहले भी तुम्हारे बिना ही होती थी ईदें, शादी से पहले थी जुलकर। यार कमल क्या कर रहे हो यार, अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, शहरी से पहले पहले पहुंचना है यार, तुम टाइम जाया कर रही हो। या तो तुम्हारा लड़ाई का मूड हो रहा है, तुम्हारा बदतमीजी तुम कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें नहीं पता चलता दिन दे आ रहा है। दिन दे आ रहा है तो तुम क्यों रफड़ डाल रही हो, जब तुम्हें पता है एक चीज का कि मैं नहीं करता। बात सुनो, इसमें लॉजिक क्या रफड़ वाली बात है? बड़े मैंने प्यार से आपको कहा कि जुलकर हम ईद का पहला दिन लाहौर गुजारते हैं, हम रात को 12 बजे गुजरात चले जाएंगे, दूसरा और तीसरा दिन चौथा दिन में गुजरात। कमल ऐसे नहीं होना ना, मैंने करना है तो मेहरबानी करो उठो। लड़की कंप्रोमाइज नहीं करती कमल, लड़की का घर वो नहीं होता जहाँ वो रह रही होती है, लड़की का घर भी उधर ही होता है जिधर लड़के का घर होता है। अगर मेरा घर, तुम्हारा घर नहीं है, ये भी मेरा घर है यार, लेकिन बंदा फैमिली के साथ ईद गुजारता है। मैं कब कह रहा हूँ ये मेरा घर नहीं है, ये भी मेरा घर है। उठो मेहरबानी करो, मैं नहीं जाना, नहीं जाना। नहीं। चलो ठीक है मैं फिर अपनी पैकिंग कर, मेहरबानी जा। अच्छा किधर आ, नहीं कर क्या रहे हो यार, टाइम जाया करो, टाइम देखो कमल क्या हो गया। तो छोड़ कर ही जाना था, अल्लाह की कसम है मुझे वैसे तकलीफ हो रही है बात सुन के, मैं रोऊंगी फिर तुम कहोगे ड्रामेबाजी कर। नहीं नहीं चले, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मुझे नहीं अच्छा लगा तुम लड़ाई, पैकिंग करना मेहरबानी कर, बात इस बार हम ईद लाहौर कर लेते हैं। हाँ। दूसरे दिन हम गुजरात है। तुमने खुद ही कहा था कबल तुम मुझसे प्यार से बात किया करो, तुम जो कहोगी मैं मान जाऊंगी। तो प्यार से ही बात करती हो तुम पहले भी, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं, तुम नहीं कर, ये बात मानने वाली है नहीं, सुना है नहीं कबल, एक दफा हाँ तो करके देखो। नहीं ना हाँ करनी नहीं है, बात करने वाली है, मान जो नहीं, थोड़ा टाइम देखो यार, तुम मेरे बगैर ईद गुजार लोगे? मतलब तुमने इधर ही रहना है? चलो ठीक है फिर, क्या कर रही हूँ यार मैं, आवाजदार हो रहा हूँ कमल, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, मेहरबानी कर ना कर, उठ पैकिंग कर, नहीं माननी ना। मोबाइल क्यों लगाया था, तो प्रमोशनल वीडियो है, प्रैंक किया है तुम्हारे साथ, प्रैंक किया, ड्रामेबाजी है, कैसा प्रैंक किया है, कैसा प्रैंक किया है, इधर पापा को पागल बना दिया हमने। बड़ा प्रैंक है, बड़ा प्रैंक है, फोन तुम्हारे का कैमरा ही नहीं ऑन, अल्लाह की कसम। म्यूजिक पैकिंग चेकिंग जी अभी हम लोगों ने शुरू कर दिया, लेकिन अभी तो कमल ने सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े ही रखे हैं, मैं अपने कपड़े लाकर तुम्हें देता हूँ, फिर पैक कर देना, मेहरबानी तुम्हारी हो जाएगी, हो जाएगी। हंसी मजाक से अब फ्री हो चुके हैं, अब मुझे बताओ काम की तरफ आ जाएं। आपके मैं देखो जो घर में पहनने वाले कपड़े वो ब्रार के, हाँ ठीक है, जो ईद पे पहने हैं वो मैं, वो किधर है, वो प्रेस करवा रही हूँ ऊपर, वो इसी तरह हैंग करके, ऐसे ही हैंग करके ले जाए, रहने दो, वहाँ मैंने प्रेस नहीं करना। तो वहाँ तुम नहीं प्रेस करना तो भी प्रेस कर देगा, वहाँ तुम ही नहीं हो प्रेस करने के लिए, बड़े धोबी बैठे हैं, मेरे भी धोबी से करवाओ जी, तुम्हारे भी धोबी कर देगा, टाइम लगेगा और मैं वेट नहीं कर सकती। चलो ठीक है प्रेस करवाओ फिर, अब मतलब उनको एज इट इज रखना है, ऐसे रख देंगे ना उधर जाके। तो एजल की पैकिंग, एजल की 10 15 20 40 50 60 50 60 70
घर बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी अब ये बंदी। खैर मैं शू वगैरह अपने ले आता हूँ, उनको भी एज इट इज रख देते हैं। डिग्गी में तो मैं नहीं लगाती, ऐसे चले जाते हैं वहाँ, कल जाके शॉपिंग करेंगे, परसों ईद देखेंगे। ठीक है, नहीं ये काम नहीं मंजूर, ये काम नहीं मंजूर यार। मुझे दूध थोड़ा पीना है, बना दो। बना दिया, रखा हुआ है मोबाइल से। बातें बहुत सुनाती है मुझे, सही बात। दूध थोड़ा पीने आते जीने दुनिया तो की लेना। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा बना है, चीजें जो लेनी थी वो मैंने ले लिए, अब बस जाऊंगा घर। घर जाकर निकलने की तैयारी करेंगे यार। अभी कमल तो पैकिंग कर रही है, लेकिन मैंने कुछ चीजें मार्केट से लेनी थी, जिनमें एजल के डायपर और मेरी एक दो चीजें हैं, तो मैंने कहा मैं जल्दी से जाकर वो पहले ले आता हूँ। हाँ जी, ये पकड़ लो डायपर वगैरह, और पैकिंग हो गई है। हो गई है। तो ये क्या किया है ये हाथ पे? चूड़ियाँ पहनते हुए, चूड़ी लगी है ये, खत्म हो गया। इसके ऊपर कोई वो लगाओ मरहम पट्टी। अब्दुलरहमान भाई ये क्या करते फिर रहे हैं, चूड़ियां क्या पहनने के लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खुद पहननी है। हाँ जी अब्दुलरहमान भाई, खौफे खुदा करो यार। सर जी पहन लो, इसमें क्या कमी है? इसमें क्या कमी है? हाँ जी, इसमें कोई कमी नहीं, उस मर्द में कमी होती है। सर जी कुछ नहीं होता, चूड़ियों में कमी नहीं होती। अपनी ईदी चूज करे जितनी चाहिए, 5,000 बस। मैंने ज्यादा लेनी है, लेकिन बता दो कितनी। मेरे सामने अगर इस तरह की चीज की ना, तो मैंने ज्यादा लेने हैं, इसलिए उस लिहाज से पकड़ ले यार। मैं इसीलिए कह रहा हूँ उसी लिहाज से ये चूज कर, बस पाँच ही पक्की बात है। ठीक है, अभी जी हम लोग घर से निकल आए हैं, और तकरीबन विषय बता दूं 2.5 से 3 घंटे का सफर है अपना यार। रास्ते में जी हल्की फुल्की भूख हमें लग गई है, क्योंकि इफ्तारी के बाद से ही हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खाया था, के बाद कुछ भी नहीं खाया। दूध थोड़ा पिया, लेकिन सिर्फ दूध थोड़े से क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता, अपना तो कुछ नहीं बनता। ये लड़कियों का फिर भी कुछ बन जाता है, अपना नहीं बनता यार। इसीलिए मैं अभी यहाँ से हल्की फुल्की सी कोई मील ले लूंगा। तुम खाओगी? कवल भी खाएगी। चलो आधी आधी खा लेंगे, है ना? पूरी पूरी। तुम्हें भी भूख ज्यादा लग रही है? बहुत ज्यादा लगी हुई है। बहुत ज्यादा रो रही थी, मैंने खाना नहीं खाया। ओ यार, चलो देखते हैं फिर क्या कर अभी। लेकिन मुझे लगता है कमल, हमें फिर भी आधी आधी खा लेनी चाहिए, क्योंकि सहरी का टाइम पास है, तो हम है। कैसे गुजरात? वो तो देखते हैं अब कितने बजे पहुंचेंगे, सहरी रास्ते में होगी या फिर गुजरात पहुंच के होगी, देख लेंगे। ये लो जी, अभी जी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर, और आपसे बस चाहिए इजाजत, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं। अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि इस व्लॉग को मैं आगे कैरी ऑन कर सकूं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ हाँ, ये बताना था कि सहरी से पहले ही पहुंच गया हूं घर।